से गंधा एक मछुआरे की कन्या थी। इस कन्या का जन्म एक मछली के गर्भ से हुआ था, जिसके कारण इसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। इस मछली की दुर्गंध के कारण ही इसका नाम मत्स्यगंधा पड़ गया था। और यह मत्स्यगंधा नदी में नाव चलाकर यात्रियों को एक पार से दूसरे पार पहुंचाने का काम किया करती थी। एक दिन रात्रि के समय महर्षि पराशर मत्स्यगंधा की नाव से नदी पार कर रहे थे। जब वह नाव नदी के बीच धार में पहुंची तो अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। तब मत्स्यगंधा ने नाव को नदी के ही बीच एक टापू पर रोक दिया। उस वर्षा के जल से महर्षि के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया था, इसलिए उन्होंने मत्स्यगंधा से विनती की कि वह उनके साथ समागम करे। मत्स्यगंधा ने कहा, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, मेरे साथ आप कैसे समागम कर पाएंगे? तब महर्षि पराशर ने अपने तपोबल से मत्स्यगंधा के उस दुर्गंध को समाप्त कर उसे गंध युक्त कर दिया और फिर उसके साथ समागम किया। महर्षि पराशर के समागम से महर्षि व्यास का जन्म हुआ। उन्हीं महर्षि व्यास ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। महर्षि पराशर के तपोबल से गंध युक्त हो चुकी मत्स्यगंधा के शरीर की गंध एक योजन दूर तक फैल जाया करती थी। इस कारण ही उसे योजनगंधा के नाम से पुकारा जाने लगा था। एक बार योजनगंधा के शरीर की उस गंध से मोहित होकर हस्तनापुर के राजा शांतनु उसे तलाशते हुए उसके घर पहुंच गए थे और उन्होंने योजनगंधा के पिता निषाद राज से उनकी बेटी के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त कर दी थी। परंतु तब निषाद राज ने विवाह की यह शर्त रख दी थी कि यदि उसकी बेटी योजनगंधा का पुत्र ही उनके बाद हस्तनापुर का राजा बने तो वह इस विवाह को स्वीकार कर सकते हैं। राजा शांतनु के पहली पत्नी देवी गंगा से एक पुत्र था जिसका नाम देवव्रत था और वह देवव्रत को हस्तनापुर का युवराज बना चुके थे। इसलिए राजा शांतनु ने निषाद राज की उस शर्त को स्वीकार नहीं किया और उस योजनगंधा की याद में अंदर ही अंदर घुटने लगे। यह बात जब उनके पुत्र देवव्रत को पता चली तो उसने निषाद राज के पास जाकर कहा कि वह अपनी पुत्री योजनगंधा का विवाह उसके पिता के साथ करा दें और मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी पुत्री का ही पुत्र राजा होगा और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। और इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया था। उसके बाद योजनगंधा, जिसका उसके पिता द्वारा दिया गया नाम सत्यवती था, शांतनु के साथ विवाह करके हस्तनापुर की रानी बन गई और उसने दो पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर, जिसमें चित्रांगद का वध एक गंधर्व के हाथों से हो गया था और फिर विचित्रवीर हस्तनापुर का राजा बना था। राजा विचित्रवीर की दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, परंतु विचित्रवीर बगैर किसी संतान को जन्म दिए ही क्षय रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उस समय वंश की रक्षा करने के लिए सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि व्यास को याद किया। महर्षि व्यास ने विचित्रवीर की विधवा पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु को उत्पन्न किया था, जिनसे फिर कौरवों और पांडवों का जन्म हुआ था। इसी कारण हम कह सकते हैं कि यह महान स्त्री सत्यवती ही महाभारत की नींव थी।